नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनेक आर्यन। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। यूपी में गन्ना भुगतान के बदले चीनी देने की योजना से किसान नाराज। कहा, जब सरकार नहीं बेच सकती चीनी तो कैसे बेच पाएंगे किसान, बिना पैसों के कैसे होगी अगली खेती। एमपी में शिवराज सरकार पर लगे किसानों को धोखा देने के आरोप। गेहूं के पैसों में से हो रही है कर्ज की वसूली। 31 मई तक कर्ज चुकाने की छूट पर भी उठ रहे सवाल। हरियाणा में सोमवार से हुई गेहूं खरीद की शुरुआत। कैथल में आढ़तियों की हड़ताल के चलते नहीं बिका गेहूं। सीधे किसानों को पैसे भुगतान करने के फैसले का हो रहा है विरोध। लॉकडाउन और मौसम के चलते जारी है किसानों का नुकसान। मंडी भेजने की जगह सब्जियां मवेशियों को खिलाने की मजबूरी। आसमान से गिरी आफत ने भी चौपट की फसलें। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया 12,500 करोड़ के पार पहुंच गया है। हालांकि अब सरकार ने गन्ना किसानों को बकाया भुगतान के एवज में चीनी देने का फैसला किया है। किसान जून तक हर महीने 1 क्विंटल चीनी ले सकेंगे। चीनी की कीमत उस दिन के न्यूनतम मूल्य और GST के आधार पर निकाली जाएगी। किसानों को ये चीनी मिलों के गोदामों से उठानी होगी। किसान सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब लॉकडाउन के चलते बाजार बंद हैं, तब किसान इस चीनी को कहाँ बेचेंगे। इसके अलावा चीनी के दाम में GST जोड़ने पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि पैसे के बदले चीनी लेने वाले किसानों को अपने 1 क्विंटल गन्ने के सिर्फ 299 रुपए ही मिल पाएंगे। नेताओं का सवाल यह भी है कि जब गन्ना विकास विभाग पीएम कोविड केयर फंड में 8 करोड़ रुपए दान दे सकता है, तो आखिर किसानों को नगद भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये आदेश कहता है कि किसान का जो पैसा कटेगा वो GST समेत किसान को देना पड़ेगा चीनी मिलों को, और चीनी मिल को वो पैसा राज्य के कोष में डालना पड़ेगा GST का। आप देखिए, 3 साल तक इन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया नहीं, अब क्या तरकीब निकाल दी कि गन्ने का रेट किसान को कम मिले। समझिए आप, अगर 10 क्विंटल गन्ना किसान ने अगर दिया चीनी मिल को, तो 315 रुपए के हिसाब से उसका बनता है 3,150 रुपया। 3,150 का जब वो चीनी लेगा तो उसको 157 रुपया GST देना पड़ेगा। तो मतलब उसके घर में कितना आया, 2,993 रुपया। मतलब गन्ने का 1 क्विंटल कितने का बिका, 299 रुपए का। 16 रुपए का घाटा तत्काल हो गया। ये कहते हैं केन कमिश्नर कि 1,400 रुपए का फायदा होगा, 1,300 का फायदा होगा। केन कमिश्नर जी, फायदा अपने तक रख लो, अपने मिल मालिक को जो है ना, मिल मालिक आपके बहुत चाहते हैं, उनको फायदा होने दो। आप एक काम करिए, फायदा उन तक रहने दीजिए, हमारे लिए एक काम करिए, हमें अपना ब्याज दिलवा दीजिए। ये ब्याज जब किसान को मिलेगा 315 रुपए के बदले 23-24 रुपए, 6 महीने के अंदर 23-24 रुपए का ब्याज मिलेगा 15% के हिसाब से, तो उनका 334 रुपए के आसपास आ जाएगा, 334-338 रुपए के आसपास आ जाएगा। हमें यही दिलवा दीजिए। विज्ञप्ति से एक चीज साफ हो जाती है कि 3 महीने में आपको अगर चीनी देने को तैयार है, 1-1 बोरा 1 महीने का, मतलब कि 3 महीने में आपको पेमेंट नहीं करने वाले। मुख्यमंत्री जी, पेमेंट करवाइए, गन्ना दिया है, हमें जरूरत है, पेमेंट कराइए आज। पेमेंट अगर आप करा देते हैं तो कोई भी आदमी चीनी की तरफ जाएगा नहीं। चीनी कहां बेचेगा आज, बाजार बंद है, आप बेच नहीं पा रहे, किसान बेच देगा। और चीनी घर में अगर रख लेगा तो क्या उसकी कटाई हो जाएगी, बुआई हो जाएगी, उसे घर की देखरेख हो जाएगी। इन चीजों के अंदर किसान को परेशान मत करिए। देश भर में रबी की फसलें तैयार होकर बाजार में पहुंच रही हैं, लेकिन सरकारी खरीद को छोड़ दें तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसी सवाल को लेकर किसानों ने MSP तय करने के लिए कानून बनाने की मांग शुरू कर दी है। रविवार को ट्विटर पर MSP MRP कानून बनाओ #  के साथ अभियान चलाया गया। लोगों ने इस #  के साथ किसानों की बदहाली और उचित कीमत ना मिलने की समस्या को सामने रखा।
आपको बता दें कि किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के लिए कानून बनाने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। साल 2018 में राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल राइट टू गारंटीड एमएसपी को पेश किया गया था। इसमें फसलों की उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम बोली पर रोक लगाना और ज्यादा सरकारी खरीद केंद्रों को खोले जाने के प्रावधान शामिल थे। इस विधेयक का प्रारूप 200 से ज्यादा संगठनों की भागीदारी वाले ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी SIKSCC ने तैयार किया था। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर किसानों के साथ छलावा करने के आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज ने कहा कि एक तरफ मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को 31 मई तक कर्ज की किश्त भरने से छूट दी है, दूसरी तरफ फसल बिकते ही कर्ज की कटौती की जा रही है। इसके अलावा कर्ज माफी के लिए नो ड्यूज पाने वाले किसानों से कर्ज की तुरंत कटौती की जा रही है। ये कैसा छलावा है, कोरोना में तो रहम करो। दरअसल किसानों को कर्ज की 50% राशि काटकर गेहूं का भुगतान किया जा रहा है। एक तरफ जब पूर्व की सरकार ने ऋण माफी के नाम पे सर्टिफिकेट बांटे थे और किसानों को कई जगह नोड्यूज भी मिले थे, तो अब उनका ऋण वसूला क्यों जा रहा है? और वसूलने की भी हद ये है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि 31 मई तक आप अपनी किश्त जमा करिए बैंक के लोन की, और दूसरी तरफ जब तुलाई के लिए आदमी जा रहा है तो हाथों साथ जो पर्ची जनरेट होके आ रही है उसमें लिखा हुआ है साहब इतना आपका ऋण है और इतना आपका काट लिया गया है, तो 31 मई की जो डेट बढ़ाई है वो सही है या ये सही है? मतलब ये किस प्रकार का छलावा है? और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए किसान नेता भगवान मीना। मीना जी, ये नया फरमान आया मध्य प्रदेश में कि फसल खरीद के दौरान ही कर्ज की राशि काट कर खाते में आएगी, कितना सही या गलत मानते हैं? क्या ये सही वक्त है राशि काटने का? क्या सुझाव है आपका? निश्चित तौर पर किसानों की फसल से कर्ज वसूली करना एक बहुत गलत बात है। सरकार किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है और इस प्रकार से जो सरकार ने फैसला लिया है वो बहुत गलत है। जब सरकार से किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि इस कोरोना काल में सरकार कुछ आर्थिक मदद किसानों को देगी, उल्टा किसान कर्ज से कर्ज वसूली कर रही है, तो ये देखकर सभी लोगों को आश्चर्य हुआ है। और कर्ज वसूली तो होना ही नहीं चाहिए। जब कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कराया कि 2 लाख तक के किसानों का कर्ज माफ़ होगा, तो ये कर्ज वसूला क्यों जा रहा है? और अगर कांग्रेस सरकार ने कोई तथ्य छुपाए थे जो किसानों के सामने नहीं आए, तो उसको मुख्यमंत्री जी को सबके सामने लेकर आना चाहिए। अब बात करते हैं, जो लॉकडाउन से पहले किसानों ने फसल में नुकसान झेला बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, उसकी बीमा राशि किसानों को अब तक नहीं मिल पाई है। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह के समय में जो बीमा का हिस्सा था राज्य सरकार जो जमा कराती है वो नहीं आया था, तो बीमा अटक गया। अब सरकार की वापसी हुई है, आश्वासन भी आया है कि बीमा भुगतान मिलने लगेगा, इसमें कितना वक्त लग जाएगा राहत आते आते? जहाँ तक फसल बीमा के पैसों की बात है, तो काफ़ी समय से बोला जा रहा था कि भावांतर के पैसे आएंगे, बोनस के आएंगे, फसल बीमा का पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आ जाता तब तक हम नेताओं की बातों पर विश्वास किसान तो नहीं करेगा। शुक्रिया मीना जी इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, लॉकडाउन के चलते ज्यादातर मंडियां बंद हैं। अगर कुछ खुली भी हैं तो वहां तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, और अगर ये भी है तो खरीदने वाले नहीं हैं। ये अड़चने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में टमाटर की खेती करने वालों के लिए बर्बादी की वजह बन गई है। कहीं पर टमाटर खेतों में सड़ रहा है तो कहीं पर किसान उसे तोड़कर मवेशियों को खिला रहे हैं। किसानों को पहले उम्मीद थी कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन अब फसल बेच पाने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। निराश किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। करीबन 1 लाख रुपए एकड़ का खर्च लगा है। अच्छा, तो लॉकडाउन की वजह से खर्च निकालना मुश्किल पड़ रहा है। पहले मंडी पहुंचा रहे थे, अभी लॉकडाउन की वजह से मंडी में उनमें रेट नहीं मिल रहे, तोड़ के नहीं है, जानवरों को उन्हें खिला रहे। अच्छा,
अकेले खरगोन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसानों का यही हाल है। किसान मंडी ना मिलने से अपनी फसल बेचने की चुनौती से जूझ रहे हैं। इस चुनौती से निपटने में किसान उत्पादक संगठन या FPO को कारगर उपाय माना जा रहा है। इसके तहत किसान अपनी उपज सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और कृषि सलाहकार परिषद के सदस्य केदार सिरोही ने राज्य सरकार पर FPO की अनदेखी का आरोप लगाया है और CM शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी में इस पर ध्यान देने की अपील की है। तो इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ किसान नेता केदार सिरोही मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। केदार जी, किसानों ने ये मांग सामने रखी है कि MSP MRP कानून बनाओ। ये सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड भी कराया इसको, इसके पीछे क्या सब किसान अब संगठित दिख रहे हैं? जी बेशक, कोई संदेह नहीं है, MRP और MSP का कानून बनाने को लेकर पूरे देश का हर एक किसान संगठन इसके पक्ष में है। देश का जो 14 करोड़ किसान है वो पक्ष में है, और जहां तक है कि देश की अधिकतम आबादी जो है वो किसानों के इस कानून के पक्ष में है, क्योंकि आज जो कोरोना का संक्रमण हुआ और इस संक्रमण के कारण जिस तरीके से इंडस्ट्रियों की स्थिति हुई है, उसमें जो कृषि ने सबसे अच्छा सहयोग दिया लोगों को जीवन के लिए, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, इसलिए मुझे उम्मीद है कि पूरा देश इस कानून के लिए साथ में खड़ेगा। ये इसकी मांग इसलिए हुई है कि आज की तारीख में देश की कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालने की जो पद्धति है वो किसानों के हित की नहीं होकर सिर्फ कागज के कैलकुलेशन की रही है। इस कारण जो चीज का हमें 8,000 रुपया भाव मिलना चाहिए था, सोयाबीन का 7,000 मिलना चाहिए था, वो 4,000 में बिक रही है। गेहूं जो 3,500 से 4,000 रुपये कुंटल बिकना चाहिए वो 2,000 रुपये में है। चने की जो फसल है वो 8,000 से 9,000 रुपये की लागत में पड़ती है, वो 5,000 रुपये के नीचे बिक रही है। इस तरीके से तमाम जो ये गैप आ रहा है उत्पादन लागत और प्रॉफिट के बीच में, यही हमारा जो आज देख रहे हैं कि 15 लाख करोड़ का कर्जा है वो इसी का परिणाम है। इसलिए पूरा देश MSP और MRP का कानून बनाने के पक्ष में है। जी, लंबे समय से ये मांग है कि खेती किसानी को उद्योग का, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। ये भी मांग रही है कि किसान अपनी फसल का दाम खुद तय करें, जैसे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट करता है। इस वक्त जब इंडस्ट्री अपने लिए राहत पैकेज की मांग कर रही है, तो कृषि इंडस्ट्री भी क्या इस लिहाज से अपनी मांगें सामने रख सकती है, और इसमें वो क्यों पीछे है? देखिए, एग्रीकल्चर देश की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, पर न जाने क्यों ये पूंजीवाद के दौर में हम लोगों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और उन इंडस्ट्रियों को आगे ले रहे हैं जिनके ऊपर हमारे भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये हमने 21 दिन और ये 40 दिन के लॉकडाउन में देखा है। जिनके दम पर हम लोग 5 ट्रिलियन की बात करते थे, वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देने वाली इंडस्ट्री जो है वो 40 दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाई और लाखों करोड़ के पैकेज की अलग अलग जगह से मांग उठने लगी है। मगर जो वास्तविक इंडस्ट्री है देश की, जिसके कारण सदियों से हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते आए, इवन ये कहिए कि भारत जो सोने की चिड़िया था पूरे विश्व में, वो भी कृषि के कारण था। इसलिए भारत की सरकार को ये कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इनकी तमाम तकलीफों की और जो आर्थिक नुकसान है उनकी भरपाई के लिए एक विशेष पैकेज देने के लिए अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि आज जो वर्तमान हालात है वो हमारी मेहनत के कारण खराब नहीं हुए, वो उपभोक्ताओं की च्वाइस के कारण खराब नहीं हुए। ये जो बीच में मार्केट सर्कमटेंस आया है जिसके कारण बाजार व्यवस्था टूटी है और उसके कारण फूल फल सब्जी दूध अनाज दलहन की फसलों पर जो मार पड़ी है, इसको बचाने के लिए एक विशेष पैकेज की जरूरत है। केंद्र सरकार बोल रही है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त में कोरोना संकट के समय आगे आएं और किसानों से उनकी फसल लें और उसको मार्केट तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। आप ये बताएं कि इस वक्त क्या मध्य प्रदेश में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का जो जाल बुन जाना चाहिए था, जो तंत्र विकसित होना चाहिए था, वो ठीक से विकसित है जो इस वक्त इस समय योगदान दे सके? जी देखिए, जो बात आ रही है आज FPO को प्रमोट करने की, FTC को प्रमोट करने की, इसके आगे हमारा भारत का भविष्य खेती का इसमें दिख रहा है कि किसानों का जो छोटा समूह है वो अपनी कंपनी बनाकर, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उत्पादन की लागत कम करे, मार्केटिंग व्यवस्था बढ़ाए, वैल्यू एडिशन तमाम तरह के काम करे।
परंतु अभी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार हर वक्तव्य में एफपीओ को प्रमोट करने की बात कर रही है, मगर दुर्भाग्य यह है कि आप मध्य प्रदेश में देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि फाइनेंशियली बाइबल नहीं है, टेक्निकली साउंड नहीं है, कोई ऑडिट या किसी भी तरह की मॉनिटरिंग नहीं, उन जैसी एजेंसियों को खरीदी का मौका दिया है, ठीक है, हम लोग उसका भी स्वागत करते हैं, परंतु जो एफपीओ और एफटीसी जो फार्मर की मेन कोर संस्थाएं हैं, जो इक्वल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनको दरकिनार किया गया है, ये एक चिंता का विषय है। मैं सरकार से यह दरखास्त करूंगा और इस बात पर जितने भी देश के एफपीओ और एसएफएससी जो है वो सब लोग मिलकर आज सरकार को इस पर बात करनी चाहिए कि जो जितने भी देश के एफपीओ हैं उनको प्राथमिकता के साथ में ये आप खरीदी व्यवस्था में गवर्नमेंट के बीच में लिंकेज करने की चीज़ों में जगह देनी चाहिए, अन्यथा ऐसे मॉडल जो आपके भाषणों का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, ऐसे मॉडल जिनके ऊपर आप दूरगामी सोच बताते हैं परंतु जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर उनको सहयोग क्यों नहीं कर पा रहे, किस तरह के प्रश्न चिन्ह हैं और इनको दूर करने के लिए हम सरकार से संघर्ष करेंगे। हालांकि कैथल मंडी में आढ़तियों की बेमियादी हड़ताल जारी है, इससे सोमवार को यहां किसानों से गेहूं की खरीद शुरू नहीं हो पाई। इससे निपटने के लिए प्रशासन ने सीधे किसानों से गेहूं खरीदने का रास्ता निकाला है, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आढ़तियों के साथ उनका लेन देन चलता है, ऐसे में वो आढ़तियों की जगह सीधे सरकार को अपनी फसल नहीं बेचना चाहते हैं, इससे उन्हें आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पल्लेदार भी सरकारी खरीद एजेंसियों के साथ काम नहीं करना चाहते क्योंकि मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। इस खट्टर साहब को ये पता नहीं है भाई आड़ती से कितने लोगों को रोजगार मिले हुआ है। अगर आड़ती दुकानें बंद करके कम से कम 15 लाख या 20 लाख बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको कहाँ रोजगार मिलेगा, वो बेचारे और दिहाड़ी भी नहीं कर सकते। अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं? अधिकारी तो बस यही कह रहे हैं जी हाँ करेंगे जी हाँ करेंगे जी। कैथल के अधिकारी सारे प्रशासन विफल रहे हैं इस गेहूं बिकाने के बारे में। किसान के पैसे से गया हुआ वो अपनी फसल लेके आ सकता है मंडी में, जितनी भी आड़ती मना कर रहे हैं। ऐसा है अगर आड़ती सहयोग नहीं करते हैं तो खरीद एजेंसी डायरेक्ट परचेज करेगी, वो उनका माल किसान के माल को बिकने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हम तो जिमीदार के थ्रू आड़ती के थ्रू बेचेंगे जी, क्यों आड़ती के साथ हमारा 100 लेन देन होता है जी। तो जो प्रशासन कह रहा है जो कि हम एजेंसी के द्वारा खरीद कराएंगे तो नहीं करवाना चाहते खरीदा? नहीं हम नहीं करवाना चाहते, 100 हमारा लेन देन है जी, किसी ने किसी तरह के पैसे उठा रखे, किसी ने किसी तरह के पैसा उठा रखा है जी। नहीं तो आड़ती तो उठा नहीं रहे, फिर क्या करोगे? चलो फिर तो बाद में देखेंगे कैसा होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा जी। आड़ती उठाएंगे, आज नहीं उठाएंगे कल को उठाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल जींद जिले में निर्वाणा इलाके में हम देख रहे हैं। वहां पर हमने बातचीत की एक किसान से, जहां पर उसने बताया कि मौसम की जो तेवर है उसको पलटता देख बहुत से किसान घबराए हुए हैं और कई किसान सुबह से आकर वापस खाली हाथ लौट गए। बात करते हैं, हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं अशोक दनोदा। अशोक जी ये बताइए कि आपकी फसल आप लेकर आए हैं मंडी में, नरवाना मंडी डिस्ट्रिक्ट जिंद, किस तरह की स्थिति है वहां पर? मैम जो बयानों में कुछ है और जो मतलब है जीरो है मैम। हम आए सुबह से गेहूं लेके आए थे और यहां पर कोई मार्केट का कमेटी या कोई भी सदस्य नहीं था सुबह से, और अब दो बजे आए मैम। और जो देखा जाए ना मैम, ये बासनों में कहते दाना दाना लेंगे, अगर दाना लेना होता तो सुबह से इंतजाम करते ही। सरकार तो कह रही है वो हर एक को एक एक पर्ची देगी, सबको एसएमएस से सूचित किया जा रहा है, सारी प्रक्रिया एकदम स्मूथ तरीके से चल रही है। नो मैम, मैं दनोदा गांव मुखी मंडी से अभी जस्ट बात कर रहा हूँ आपके साथ, और दनोदा ही मंडी में 6 गाँव लगते हैं, 6 गाँव में किसी के पास एसएमएस नहीं गया। तो ऐसे में किसानों की किस तरह की प्रतिक्रिया है? किसानों के मन में बड़ी घबराहट होगी अपनी फसल को लेकर। ये मैम जो किसानों के बारे में, किसान इतना ज्यादा दिक्कत में है कि उसका जो अनाज है वह बाहर है और ऊपर से मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिसके कारण उसने 6 महीने की मेहनत के ऊपर पानी फिटा हुआ दिख रहा है। पहले बेमौसम ओलावृष्टि से और अभी अनाज पक चुका है, तो उसको मौसम के बाहर हो सकती है।
एक बारी में कितनी तोलाई होने की बात हो रही है, कितना क्विंटल एक बारी में ले रहे हैं? मैम तोलाई की तभी होगी ना जब ये तो लेंगे, ये ले ही नहीं रहे मैम, कोई है नहीं लेने वाला। यहाँ पर क्या आड़तियों का जो स्ट्राइक की बात हो रही थी उस पर कुछ बात बनी क्या? नहीं मैम, आड़तियों ने किसान से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपने कमीशन से मतलब है, और आगे जो घोटाले करने का मतलब घोटालों से मतलब है, जो 6 महीने का आगे सोचते हैं, और धान घोटाला होता है ना, वे आगे भी धान घोटाले के बारे में सोच रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, जमीनी हकीकत हमारे सामने लाने के लिए। किसानों को बेमौसम बारिश के चलते खेत से लेकर मंडी तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों से बारिश के साथ ओले गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इससे गेहूं के दाने काले पड़ने के अलावा फसल की कटाई में भी देरी हो रही है। किसानों का कहना है कि कोरोना संकट के चलते मजदूर और कंबाइन मशीन नहीं मिल रही है, इससे फसलों की कटाई नहीं हो पा रही है। यूपी के किसान तो सरकार से कोई मदद ना मिलने की भी शिकायत कर रहे हैं। बारिश होती है तो मक्के जैसी फसलें लहलहा उठती हैं और किसानों के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश हुई तो मक्के की खेती करने वाले किसानों का सब कुछ लूट गया। देखिए ये रिपोर्ट। एक भी पत्ता सलामत नहीं, एक भी तना सीधा खड़ा नहीं। मक्के के खेतों में तबाही की ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर से आई हैं, जो मौसम के बिगड़े मिजाज की गवाही दे रही हैं। पूरी फसल मिट्टी में मिल गई है, जहां कुछ फसल बची है उससे भी उपज मिलने की उम्मीद ना के बराबर है, इसलिए किसान अब इसे काट कर मवेशियों को खिला रहे हैं। तो खेत का दृश्य देख पा रहे हैं, इसमें फसल बुरी तरह नष्ट हो चुका है। हमारे यहाँ मात्र 20% ही गेहूँ का फसल कटनी हो पाया था, और मक्का का फसल तो तैयार ही हो रहा था, जो नष्ट हो चुका है। ना तो ये चारा के काम में आने वाला है और ना ही किसी काम में आने वाला है। मुजफ्फरपुर के उराई, कटरा और हथौड़ी जैसे इलाकों में सैकड़ों बीघे जमीन पर मक्के की खेती को ओले गिरने से नुकसान पहुंचा है। यहां पर ज्यादातर किसान बैंक या स्थानीय लोगों से कर्ज लेकर मक्के की खेती करते हैं, लेकिन इस बार फसल की बर्बादी ने कर्ज चुकाने की चुनौती खड़ी कर दी है। तो बैंक से कर्ज लेते हैं, दूसरी बात सामाजिक भी कर्ज लेते हैं, और उसके बाद खेती कर पाते हैं। और अब जो है, एक तो लॉकडाउन के कारण हम लोग पिछले 1 महीने से घर में बंद है, कोई आमदनी नहीं है, और अब जो है ना बैंक के लोन हम सधा सकते हैं, ना भोजन कर पाएंगे, और हमारे परिवार क्या, हमारे पूरे गांव समाज के साथ भूखमरी का हालत है। बहुत से मकई का फसल और गेहूँ का फसल बर्बाद हो गया है, हम लोग भूखमरी के कगार पर है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि किसानों को कर्ज माफ़ हो और उचित मुआवजा दिया जाए हम लोग को, और स्थल निरीक्षण किया जाए उनके द्वारा। जो मकई कैले रही 4 बीघा, सब पत्थर चूर दिलक, आप खाने के लिए नहीं है, लोन ले आए 50,000 माने समोसे, अब उसको कैसे दे, आप सरकार के इतने निवेदन है जो मेरा मुआवजा देवे खेत के 3 बीघा के मकई के। मक्के की 1 एकड़ खेती पर करीब 20,000 रुपए की लागत आती है, और इससे तैयार उपज 70,000 से 80,000 रुपए में बिक जाती है, लेकिन अब किसानों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। हालांकि अधिकारी जांच के बाद मुआवजा दिलाने का भरोसा दे रहे हैं। जो क्षति होगा उसका मुआवजा दिया जाएगा, हम लोग सर्वे करेंगे, सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा। सरकार और प्रशासन को किसानों की मदद के लिए आगे आना होगा, ताकि लॉकडाउन के बाद अब मौसम की मार झेलने वाले किसान अपनी और अपने परिवार की जिंदगी की गाड़ी खींच सके। बिहार के मुजफ्फरपुर से चंदन चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लॉकडाउन में सरकार ने गरीबों जरूरतमंदों को राशन देने का ऐलान किया है। कहा गया है कि किसी को भूखा नहीं रहने देंगे और देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है, लेकिन लगातार ये शिकायतें भी आ रही हैं कि इन लोगों को राशन मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में लोगों को पूरा सरकारी राशन लेने के लिए महिलाओं को पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करना पड़ा। कहीं कोटेदार कम राशन देने की बात कर रहा है, और महाराष्ट्र में राशन की क्या व्यवस्था है, ग्राउंड पर कितनी राहत मिल रही है मजदूरों को, महिलाओं को, इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ महिला अधिकार किसान मंच की सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता सीमा कुलकर्णी जी जुड़ गई हैं।
सीमा जी, लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है, मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था के लिए अब जमीन पर सरकार कितनी मुस्तैद दिख रही है? जो गांव में या राशन की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से जो लोग राशन ले रहे हैं, दो प्रकार के मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक तो इनएडिक्वेसी का मुद्दा पिछले दो हफ्तों में ज़्यादा दिखाई दे रहा था, वो थोड़ा सा अभी स्ट्रीमलाइन निश्चित रूप से हो रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं ही नहीं, जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है और उसके चलते अलग अलग समस्याएं उनके सामने आ रही है, तो उनको अभी भी राशन का कोई भी एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो इसमें बहुत सारी डिसेबल्ड महिलाएं, विडोज, सेपरेट रहने वाली महिलाएं हैं, सिंगल वुमेन हैं, जिनके ऊपर इसका काफ़ी गंभीर असर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये राशन का मुद्दा जो है, मतलब हमारी डिमांड, कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड यही रही है कि राशन आप जिसको राशन चाहिए उसको राशन दे दीजिए। अगले 3 या 6 महीने तक की ये पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि जो मांगे उसको राशन देने का प्रावधान होना चाहिए। सरकार ने निःशुल्क राशन देने का ऐलान किया हुआ है, उसकी क्या स्थिति है? या फिर लोग पैसे देकर कोटे का राशन ही ले पा रहे हैं, क्या गैप्स हैं? मुफ्त राशन के बारे में अगर हम सोचें तो यहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से ये खबर आ रही है कि चावल अब कई सारी जगह मिलने लगा है। बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा भी समझ में आ रहा है कि रेगुलर कोटा खरीदा हुआ है उनको चावल पहले ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस दी जा रही है, मुफ्त वाला। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है कि जहाँ पे रेगुलर कोटा नहीं खरीदा गया है क्योंकि पैसा ही नहीं था लोगों के पास, लिटरली ऐसे केसेस हैं हमारे सामने, 50 रुपये है, 100 रुपये है, सेविंग्स ही नहीं है बिल्कुल भी, तो राशन खरीदेंगे भी कैसे रेगुलर कोटा से। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में कई कई जगहों से पॉजिटिव भी एक्सपीरियंसेस है कि मुफ्त राशन फिर भी दिया जा रहा है। तूर दाल का सवाल अगर देखा जाए तो तूर दाल अभी तक कहीं भी नहीं आई है जी। तो जोर अब डिलीवरी मैकेनिज्म पर देना है, चाहे वो खाना हो या कैश, उसमें अब क्या दिक्कतें हैं और वो क्या चीज़ें करनी चाहिए सरकार को कि ये दिक्कतें फौरी तौर पर दूर हो? अनाउंसमेंट हुआ था केंद्र सरकार की तरफ से कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है उनके लिए ओपन मार्केट सिस्टम्स के माध्यम से 21 और 22 रुपए को गेहूं और चावल प्रोक्योर करने का एक आदेश था। हम लोगों की यही मांग है कि ये 21 और 22 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है और सिविल सोसाइटी आज की तारीख में फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट से भी ज़्यादा काम कर रही है, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स के मुद्दे पे। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों की डिमांड यही है कि आप, आपका पूरा गोडाउन में माल है, अक्यूमुलेटेड है, तो आप क्यों ऐसे हाई रेट्स पे ओपन मार्केट सिस्टम से सिविल सोसाइटी को प्रोविजनिंग का कोई भी ऑर्डर निकाल रहे? इनफैक्ट प्रोविजनिंग आप ही को करना है, सिविल सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर सकती है। इसलिए डिमांड हमारी यही है कि जिस रेट्स पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएस सिस्टम्स में, उसी रेट्स पे सिविल सोसाइटी को भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप राशन के सप्लाईज दे। तो ये डिमांड अगर होती है तो कम से कम जो सिविल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में, वो काफ़ी हद तक सुविधा उसमें आ सकती है, ऐसा हम लोगों का कहना है। धन्यवाद सीमा कुलकर्णी जी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।